वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीवो का फ़ोन, इसको इसमें अगर जो है आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बताया हूँ। बहुत इजी, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। बट जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। बस आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाएंगे, ये सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ से हम सेटिंग के अंदर आ गए, ठीक है। बस आपको सेटिंग के अंदर एंटर करना है। अगर यहाँ से समझ नहीं आया आपको तो स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ से भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों तरफ से आप सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, चाहे किसी तरह से भी आपको करना है, ठीक है। फिर आपको सबसे नीचे लास्ट में आ जाना है, लास्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन, जो सबसे लास्ट ऑप्शन होगा उसके ऊपर वाले पर टच करना, वन और टू, सेकेंड ऑप्शन पर जो आएगा आपको उस पर टच करना, ठीक है। फिर आपको ऊपर से काउंट करना है, वन टू थ्री, थ्री नंबर पे जो भी ऑप्शन आ रहा है आपका उस पर टच करना है, वन टू थ्री, ठीक है। फिर ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपको उस वाले ऑप्शन पे टच कर देना। अगर यहाँ पे वन और टू में लैंग्वेज आपको शो हो रही है, जैसे इसके नीचे दूसरे नंबर पे लैंग्वेज आ रही है, मैं बताया था यहाँ से मैंने एक लैंग्वेज ले ली, अगर ऐसे लैंग्वेज शो हो रही है आपको, ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको ऐसे प्रेस करके ऊपर ले जाओगे तो ये देखो लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैक भी करेंगे तो देखो सारी लैंग्वेज उल्टी सीधी आ रही है, ऐसी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे रहेगी वही जो है सिस्टम की लैंग्वेज होती है, तो हम इसे प्रेस करके ऊपर ले जाएंगे। ये देखो यहाँ पे लैंग्वेज हमारी चेंज हो गई। थ्री डॉट पे जाना है, रिमूव का ऑप्शन आएगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आपके फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।